हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लाया हूँ जो कि हेडलाइट के ऊपर है। हेडलाइट जो यामा का ओरिजिनल है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये मैंने अभी बाय किया है। ये एचडी का हेडलाइट है, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। मैंने अभी बाय किया है और आप लोग देख सकते हो कि ये एचडी का हेडलाइट है पूरा। ये मतलब मेटल का ही है। इसमें कैसा रहता था कि जो यामा का हेडलाइट होता है वो प्लास्टिक का, जो पीछे का ये कवर है वो प्लास्टिक का होता है, इसमें सब मेटल का ही है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि ये प्लास्टिक वाला जो है वो अपना कभी क्रैक आ जाता है तो कभी कुछ ना, ऐसे प्रॉब्लम आते रहते हैं। सो मैंने अभी सोचा इसका हेडलाइट का जो हेडलाइट है वो एचडी का डालने के लिए, क्योंकि ये एचडी वाला थोड़ा इससे ब्रॉड भी है, बड़ा भी है। सो अभी हम लोग इसको आज इसमें इंस्टॉल करेंगे। सो आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे इंस्टॉल करना है। सो गाइस, पहले इसको हम लोगों को खोलना रहेगा। ये जो यामा का ओरिजिनल हेडलाइट है इसको हम लोग खोलेंगे। यहाँ पे और यहाँ पे दो स्क्रूज रहते हैं, उसको हम लोग अभी खोलेंगे। और इसको खोलने के बाद ये जो आगे का फ्रंट मतलब कांच वाला हिस्सा रहता है वो बाहर आ जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं, एक स्क्रू मैंने खोल दिया और यहाँ पे मैं इसका दूसरा स्क्रू भी खोल रहा हूँ। तो इसको खोलने के बाद भी इसमें जो स्क्रू रहते हैं उसको संभाल के रखना है, क्योंकि इसमें भी काम आ सकता है ये। और ये आपका स्टे बाहर आ गया पूरा हेडलाइट का, आगे का जो कुंडा रहता है। और उसके बाद हम लोग इसको निकालेंगे बल्ब को, और उसके बाद जो हमारा पार्किंग लाइट होता है उसको निकालेंगे। तो दोनों बाहर आ गए, ये बाहर आ गया पूरा। अभी इसको हम लोग रख देंगे और इसको खोलेंगे। तो आइए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे खोलना है। देख सकते हो आप लोग, ये मैंने जो पुराना वाला हेडलाइट था वो निकाल दिया हूँ। अभी हम लोग इसमें वो जावा एचडी वाला हेडलाइट फिक्स करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। सो अभी देख सकते हो आप लोग, ये वायरिंग वगैरह मैंने सब निकाला है। तो अगर आप लोगों को वायरिंग आता होगा तो ही आप लोग निकलवाइएगा, या फिर मैकेनिक के पास आप लोग जाके करवा सकते हो, क्योंकि इसका वायरिंग इतना भी हार्ड नहीं है। बट अगर आप लोगों ने एक्सटर्नल लाइट्स वगैरह लगाए हो तो फिर उसके लिए थोड़ा सा हार्ड रहेगा। सो अभी मैंने कुछ एक्सटर्नल लगाया नहीं है तो इसके लिए मैंने निकाल दिया है इसको पूरा। अभी हम लोग इसमें एचडी का हेडलाइट इंस्टॉल करेंगे। ये वाली हेडलाइट है जो अभी हम लोग इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है, बट नाइट में अगर आप लोग कहीं जा रहे हो इसको लेके बाइक को अपने, तो उसके लिए ज्यादा ही फोकस देता है, क्योंकि आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया रहेगा कि जो यामा का ओरिजिनल हेडलाइट है वो उतना फोकस नहीं दे पाता जितना रोड पे चाहिए रहता है, क्योंकि आजकल के रोड पे तो आप लोग जानते हो कैसा रहता है। सो आइए अभी हम लोग इसको फिक्स करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये वाला जो वायरिंग था मैंने जो खोला था वो अभी अंदर डाल दिया हूँ। अभी इसका जो हम लोग इसको इसमें फिट करेंगे, बट इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि ये वाला मेरा जो स्पीडोमीटर है वो कुछ ज़्यादा ही नीचे है। सो ये यहाँ पर अड़ रहा है और ये जो नंबर प्लेट है यहाँ पर भी लग रहा है। सो अभी फिलहाल में तो इसको हम लोग सेट करने का कोशिश करते हैं, अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर उसका भी जुगाड़ मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आइए पहले इसको फिट कर लेते हैं पहला पूरा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये अभी मैंने इसको इसमें इंस्टॉल कर दिया है, जो कि ये दो इंडिकेटर के ऊपर ये इंस्टॉल होता है, क्योंकि इसमें और कहीं से हम लोग इंस्टॉल नहीं कर सकते। और जो यामा के ओरिजिनल हेडलाइट में अपन इसको लगाते हैं, जो ये मुंडा रहता है, मतलब इसको यहाँ पे दो नट रहते हैं यामा के ओरिजिनल, बट इसमें एक ही है, वो यहाँ पे और यहाँ पे लगेगा। मतलब ये वाला जो नट है वो इसके अंदर लग जाएगा और ये
फुल्ली फिटेड हो जाएगा। सो अभी इसको बिठाने के बाद हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा और मैं आप लोगों को इसका एक व्यू भी दिखा दूंगा कि गाड़ी ये लगाने के बाद कैसी दिखती है। सो अभी मैं इसको लगा लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि गाड़ी कैसी दिखती है। तो अभी इसको हम लोग ऐसे इसमें फिट कर देंगे और ये वाला जो है कुशन इसको मिलाएंगे इसमें। तो देख सकते हो ये पूरा फिट हो गया इसमें। यहाँ पे पूरा ये फिट हो गया है और आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अभी ये लगाने के बाद कैसा दिख रहा है। सो गाइस आप लोग देख सकते हो गाड़ी कुछ मतलब थोड़ा गाड़ी पे थोड़ा हैवी तो लग रहा है, बट उसको लगाने के बाद आप लोगों को मतलब रात में कोई दिक्कत नहीं होएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। लुक वाइज भी अच्छा ही दिख रहा है गाड़ी थोड़ा। सो गाइस वीडियो यहीं तक था। जैसे कि आप लोगों ने देखा मैंने इसको इसमें इंस्टॉल किया, ये एचडी का हेडलाइट हम लोग यामा में इंस्टॉल किए हैं और इसका जो लाइटिंग वगैरह है वो तो आप लोगों को पता ही है कि इसमें 3 पिन लगता है और 3 पिन मतलब जो यामा में मतलब यामा के हेडलाइट में जो बल्ब लगता है वो अलग रहता है और इसमें जो लगता है वो अलग रहता है। सेम खाली बल्ब चेंज करना और कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को इसमें। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि एचडी का हेडलाइट जो आता है वो पूरा स्टील का रहता है, एसएस का भी आता है, मेटल का भी आता है, एमएस का भी आता है और एसएस का भी आता है। सो अभी मैंने पूरा इंस्टॉल कर दिया है। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू गाइस।